नमस्कार दोस्तों, क्या हर बार की तरह इस बार भी बीसीसीआई कटाएगी पाकिस्तान की नाक? जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान वालों को लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी उनके यहाँ होने वाली है और टीम इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। इसलिए पाकिस्तान बोर्ड ने इस टूर्नामेंट का ग्राफ शेड्यूल भी बनाकर आईसीसी को भेज दिया है, जिसमें टीम इंडिया के 3 मुकाबले होने हैं, जिसमें इंडिया का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होना है 20 फरवरी को और दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को न्यूजीलैंड के साथ होना है और इंडिया का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 1 मार्च को होना है। यानी पाकिस्तान वालों को लग रहा है कि टीम इंडिया तो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तान वालों का रिएक्शन ऐसा होगा, ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। पर हालांकि इस पर इंडियन गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आना है, लेकिन इससे पहले यह पता चल गया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाली है, जिसके कारण इस महीने जो श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग होने वाली है वहां पर पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है जो चैंपियंस ट्रॉफी होना है वह हमारे यहाँ ही हो और टीम इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए, यह पाकिस्तान को लग रहा है, जिसके बारे में पीसीबी आईसीसी से बात करने वाली है। उनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो उसे श्रीलंका से रिप्लेस किया जाए, यानी इंडिया की जगह श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में आए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नवंबर में आईसीसी के चेयरमैन के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जैसा भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर वो जीत गए तो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे और फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान वाले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, और जैसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी इंडिया पाकिस्तान जाए, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं ये फैसला बीसीसीआई आईसीसी पीसीबी इनमें से कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि यह फैसला लेगी इंडियन गवर्नमेंट, जो डिसाइड करेगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं। इसलिए यह मसला सुलझाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी होगी, ना कि बीसीसीआई और आईसीसी से, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पर ही सब कुछ डिपेंड है। पर आप बताओ, क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान में जाना चाहिए या फिर नहीं? आपका जो भी जवाब है कमेंट में लिखिएगा और जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा। जय हिंद।